पर वो क्या समझेंगे। मन का खेल है जग की लीला, मन की समझ ना आई, मन के विषय कारण भोले, मन ही भया दुखदाई। मैं सुखी विराज करता था, मेरा अपना मन था जो मुझे दुखी करता था, अपना मन ही मेरा दुखी करता था। तो मुझे पता नहीं था कि मन कैसे दुखी देता है। अब मैं समझता हूँ कि मन का सारा ही खेल था। अब मैं मन के रूप को समझ गया और फिर तुम लोगों की जय। जब से ये पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरा रूप लोगों के अंदर दुआइयाँ बता जाता है, पर्च हल करा जाता है, ये कर जाता है, वो कर जाता है, और मैं नहीं होता, मुझे यकीन हो गया कि जितना खेल है सब हमारे मन का है। मन ही गुरु बनता है, मन ही चेला बनता है, मन ही भव्य बनता है, मन ही नेक बनता है, मन ही बद बनता है। इससे कुछ छुटकारा जब तक हम इस मन में फंसे हुए हैं, कहीं मन के रूप को नहीं जानते, उस वक्त तक हम दुख से बच नहीं। कोई हो, संत हो, परम संत हो, महात्मा हो, परमात्मा हो, लोगों को उपदेश करने वाला हो, जब तक हम इस मन के रूप को नहीं समझते, जब तक हम दुख सुख से बच नहीं सकते। रोजाता फरमाते हैं पर क्या लेते हैं, मन जग का खेल है, मन की लीला, मन की समझ ना आई, मन के विषय कारण भोले, मन ही भया दुखदाई। मैं क्यों दुखी था अपने मन के बजाय? मन क्यों अशांत होता है दूसरे विकार की वजह? अरे मेरी छोटी मेरी शादी नहीं होती तो मैं चाहिए से आना पड़ता, दूसरा विकार से अहज भोग का ही नाम नहीं है, दुनिया की आशाओं का दूसरा विकार है। आए मैं ऐ बन जाऊं, मैं ऐ बन जाऊं, मेरे पास कार आ जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मैं इस किस्म के बहुत से ख्याल जो आदमी रखते हैं, ये भी विषय है किसी का। यह तो मन का विषय आदमी को समझ नहीं आता, भावे अल्लाह की कोशिश करे, मैं नहीं समझ सका। अपनी बाबत जानते हैं, मुझको सिर्फ तुम लोगों ने कार दिया, क्योंकि एक ख्याल है कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मुझे इस मन के रूप को पता लग गया। अब मैं फंस जाऊँ तो फंस जाऊँ एक और बात है, मगर मुझे पता लग गया जब लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता, मैं नहीं होता। तो जो कुछ उनके अंदर होता है उनके अपने मन का ही खेल है, मैं तो नहीं जाता किसी के अंदर। इसी एक बात को पढ़ते मेरा कई गुरुओं ने हम दृष्टियों को बेसूर करा के लूटा। हम व्यक्तियों को भोले भाई युवाओं को ऐसे पर्व में रह करके बेवकूफ रह के लूटा है, ऐसी बात नहीं बताई हमको। और फिर सच्ची बात यह है कि लोग सिंचाई को सुनने के लिए तैयार नहीं, सर्दियों के पास जाती है, सत्संग की जाती है, कोई दुनिया के कामों के लिए जाता है, कोई पैसे के लिए जाता है, कोई लड़के के लिए जाता है, कोई औलाद के लिए जाता है, कोई और जो हमारा मतलब सच्चाई के लिए कोई जाता है। सच्चाई में नहीं सही तो इंसान अपने मन के रूप में मुझ पर उदार ने ये काम जब दिया था तो उन्होंने कहा था कि तुमको काम देता हूँ,
न समझना तू किसी को दया पार करेगा, पर तुझको सच्चा सदगुरु सत्संग जरूर में मिलेगा। अब मिल गया, अब संतायतन बैठा हुआ है और बड़े बड़े महात्मा आते हैं, यही चाहते मेरा रूप प्रकट होगा। अब मैं तो जाता हूँ, अब ये कहता मैं किसी की छोड़ जाते, अब मैं तो नहीं मुझे पहले ये वो राजा जो आज जन्म की महात्मा ही नहीं बताया, सब ने हमको इशारे में कहा सच्ची बात नहीं बताई और हमको लूट लिया, हमारी जायदादें ले गए, पैसे ले गए, धन ले गए, मान ले गए, और दिया क्या हमको मन की कल्प, हमको कोई ज्ञान नहीं दिया सच्ची बात, और अगर कोई बता भी जाए तो हम लोग सच्ची बात सुनने के लिए तैयार नहीं। दादा दूध कहाँ गए, जब किया दूध तेरे पास तेरे टन में तेरे मन में 1919 के हाथ ठीक हो गए थे, मेडिसिन नहीं आता था गुरु मेरे पास कैसे, क्यों मन से नीचे उकाल में थे आगे मन से ऊँचे चढ़े दो काने बूझे सतगुर ज्ञाना, बोझ बोझ गुर ज्ञान की महिमा तुझे पद निर्वाना। जब तक कोई आदमी मन से ऊपर नहीं जाता उसको सदगुरु की बात का कोई यकीन नहीं है। ये बात बता दे, जब तक किसी को कोई मन से ऊपर नहीं जाता, मन से ऊपर कौन जाएगा, मन से ऊपर वो जाएगा जिसको मन की कोई आस नहीं रहेगी। तुम अपने हम अपने मन के अंदर आशे बातें करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, किसी आज के बीच बच्चों को याद करते हैं, चीनी कसी का ध्यान कर दिए कदम चीनी में ध्यान कर दिया, जितना चिर तक ये बात सब कुछ रहती है जब तक कोई मन से ऊपर जान जाता मुझको जो ब्याह कर दी तो तीन लोग मैंने दादा को बड़ा प्रेम किया, उस प्रेम करने से क्या मन से ऊपर चला गया। आरतियाँ करता था, छुट्टी ले रहता तीन तीन महीने की, वही दाता के दरबार में चला गया था, आनंद लेता था मगर मन से पार नहीं जाता था। मन से पार तुम लोगों ने नहीं कराया, जब से तुम लोगों से पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता मैं नहीं होता, मैं तुमको सच कहता हूँ आजकल की जितने गुरु हैं ये सारे सब हैं, सब अपने मतलब की भी दवाई करते हैं हमारे लिए नहीं करते, और उनका भी कोई कसूर नहीं, हम लोग सिंचाई को सुनने के लिए जाते हैं। कोई तो जाता हाँ देखो भाई ऐसा बड़ा पारा लंगर लगा हुआ है, लाखों आदमी जाते हैं, वो इसी बात में मत है संतों के लेंगे पेड़ों के लेंगे नहीं, हम समझते हैं जमात छोड़ नहीं होंगे, एक फिरता संत जमात लेके नहीं फिरते, जिनके पीछे करोड़ आदमी लगे रहते हैं ये संत नहीं है, ये अपने अच्छे इसलिए अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं, ये बिल्कुल साफ बात। तो मन से ऊपर तो मैं ऐसे गया, तो मन से ऊपर जाने के बाद फिर मुझे बात समझ में आई, बोलो क्या समझ आया ये,
हद पर बैठ कहा सतगुर ने चढ़ दे हद की घाटी के लहद बे हद जब लांघा थोड़ी भर में की चाटी। वो कहते हैं गुरु हद में रह के बोलता है और चेले को व्याधि और अनहद में ले जाता है। हद में रह के बोलने का क्या मतलब है तो उनको पता हुआ जाने ये सब लेके मुझे क्या पता। मैं तो हद में रह के बोलने को ये कहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ अपने जिस्म में रह के तो मन लग रहा आपके साथ बात कर रहा हूँ ना। अगर मैं मन पर ना हूँ जिस्म पर ना हूँ तो तुम्हारे साथ बोल नहीं सकता। तो गुरु जो है वो जिस्म में रहता हुआ मन के अंदर रहता हुआ चेले को बेहद यानी मन से पर ले जाता। मैं नहीं जा सकता था मन मन से पर। ये जो गुरुवाई मुझको दी थी ये मन से परे जाने के लिए दी, समझ नहीं आती। मैं न गुरु हूँ न महात्मा हूँ, आप सच्ची बात कहता। हाँ गुरु का काम कर जाता हूँ। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। एक आदमी कारोबार छोड़े पुत्र चल रहे चेले बना रहे झंझट मुखिया चेले झंझट पै गया जी भर गया। जय दुनियादार हो जय दुनियादार हो उन्हें पुत्रा ने मुसीबत सिर से भैया सदगुरु बन गया चेले बना रहे हूँ उन्होंने गलतियां उन्होंने साबित निबड़ता तू फर शायद मैं तो ये गुरु और चेले का एक दुनिया में व्यवहार है प्रणाली चली हुई है। एक बात कहने को गुरु से चेला सांपरा मात्यो एक व्यवहार आधा बनाया है अपना दुनिया का। वरना जहाँ असलियत है वहाँ ना गुरु है ना वहाँ चेला है। तो अज्ञानी जीव को गुरु हद में बैठ कर बेहद की तरह ले जाता है। बेहद है मन से पर हद है तुम्हारी मन। तो जब तक तुम्हारा मन की रूप को तुम नहीं समझोगे तुम बेहद में जा नहीं सकते। जो मर्जी चाहे कर लो, दो घंटे बजे का अभ्यास कर लो, पंद्रह हजार चेहरे अपने चेहरे बना लो, हमारी अमली जिंदगी उनको पार कर लो। हद पर बैठ कहा सतगुर ने चढ़ दे हद की घाटी केला हद बे हद जब लांघा पूरी भर में की चाटी। अब प्रेम की चाटी कैसी होगी ये तो दादा को पता होगा कि उनकी चाटी कैसी होगी। प्रेम की मेरी कैसी होगी जब से पता लग गया कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता तो मेरे अंदर में जितने ख्याल जितने पाप जितने विचार आते हैं मुझको यकीन होना चाहिए कि असल में है नहीं मेरे अपने बनाए हुए हैं। जब मैं तुम्हारे अंदर जाता हूँ मैं तो होता नहीं अकू बैठी परशुराम की बहुत बैठी कहिए मैं तो परशुराम बम्बे का स्टेशन को आई घरों आई अंधेरा ही डर गई कहिए बाबा तू आ गया। मैं अभी बाँ पकड़ी मेरा करते करते स्टेशन से आ गए गड्डी आँधी पड़ी एक आधी गड्डी आ गई बाबा ने कहा उधर गड्डी आ गई। मैं गड्डी में बैठने लगी बाबा ने उठे आ नहीं अभी ने मुझे कहा। अब मैं भी अपने आत्मा से पूछने का हक नहीं रखता
क्यों भी फकीर से चूक जाता है, क्यों बताए? अगर मैं ये नहीं बताता तुम लोगों को सच्ची बात, तो मैं मुजरिम हूँ। अरे मैं ये बात सच्ची आप लोगों को नहीं बताता और तुमको पर्दे में रह के तुमसे सहन लेता हूँ, पैसा लेता हूँ और मान लेता हूँ, तो क्या मैं मुजरिम हूँ? तो की बात नहीं हूँ। जितने ये गुरु हैं जो सच्ची बात नहीं कहते, ये सब धोखेबाज है। बड़ा बेखौफ हूँ कहता हूँ, बेजार हूँ कहता हूँ, धोखा नहीं देते हमें। जब मरते समय ये नहीं जाते इनको लेने के लिए, फिर ये प्रोपेगंडा कर दिया कि हम नाम लेता हुआ मरते समय तभी तुमको ले जाएगा, क्या ये जुर्म नहीं करते? और मैं कहता हूँ सदगुरु ले जाएगा, वो सदगुरु फकीर चंद नहीं है जो आज तुमको ले जाएगा, बाबा सावन सिंह नहीं है या चरण सिंह नहीं है, वो जो समझ है जो सत्संग में तुमको सोधि दी गई है, तुम्हारे तुमको बुद्धि दी गई है, सच्ची राज बताया गया है, अगर वो याद रहा तो अंत समय में तुमको सदगुरु तो मन से निकाल के सतलोक ले जाएगा। ये नहीं कि फकीर चंद ले जाएगा या बाबा सावन सिंह ले जाएगा या महाराज जी ले जाएंगे, ये तुम सब भूल में हो। जो कुछ बाबा जी ने, बाबा सावन सिंह ने या बाहर के गुरु ने तुमको समझाया हुआ है, वो जो समझ तुमको मिलेगी तुम्हारे दिमाग में आई हुई है, अंत समय में अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम होश रही, तो वो समझ जो है वो समझ तुमको बाहर ले जाएगी, ना कि बगीचा ले जाएगी। हमको कहा तो गुरु ने सच कि तुम नाम ले जाओ, अंत समय सदगुरु तुमको ले जाएगा, तो लोगों ने क्या समझा कि बाबा फकीर ले जाएगा, बाबा रामचंद्र से ले जाएगा, और चेले भी डूब गए तो गुरु भी डूब गए, चेला भी डूब गया तो गुरु भी डूब गए। गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा वर्त रहा, गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाहे और चेला स्वार्थ संग बना, कब की गुरु और कब की चेला दोनों छोड़ो का पाप कटा, तो सब दिन जो कोई हो ही ताको छोड़ो को पाप कटा। जो गुरु जीवों को पर्दे में रखता है और साफ बात नहीं बताता अपने झूठे मान के लिए इज्जत के लिए, वो गुरु नहीं है ना, मैं उसको गुरु नहीं कहूँगा। मगर इसमें मैं गुरु को कसूर नहीं गिनता, मैं कितनी साफ सच्ची बात कहता हूँ, फिर भी तुम्हारे लोगों को समझ में नहीं आती ना, किसी में साफ मैं नहीं करता हूँ मगर आप लोगों की समझ में नहीं आती। तो आदमी रह करके गुरु बोलता है, कहाँ ले जाता है जीव को? बेहद में ले जाता है। आगे हद में दुख दे हद में सुख है, अनहद पद निर्वाणा। हद में दुख है, जब तक तुम मन में हो दुख तो भोगोगे, मन जो ऊपर ले जाओगे वहां सुख है, और अगर सुख को शब्द में ले जाओगे आना आना खत्म हो गया, ना जम हो गए ना मरोगे। मैं तो कहना हूँ ना, अगर तो आप आजकल से बिल्कुल आसान कर देता हमारा सरकार पढ़ो बाबा से, अंत समय स्वयं चल रही है, डॉक्टर ने सबूत जीता कि मरण वाले नू इस बड़े तराजू जो चला देता है, बड़े सेंसिटिव तकड़ी जो होते
तो हम सबको डर देंगे। तो जिससे जरूर निकल गई कोई जो जिसम 15 ग्राम कट गया, कोई 25 ग्राम कट गया, कोई 20 ग्राम कट गया, और जो चीज अंदर निकली उसमें बात सकेन से मसाला ला के उन्होंने निकल दिया देख लिया। जेड़ी चीज पारी है, जेड़ी चीज पारी है, पारी उन्हें जमीन खिंचेगी अपने पासे। लख अभ्यास कीते हुए हैं, लख चुके हैं जिन्होंने फर्कियां कीती हुई हैं। ये थोड़ा मोह किसी भी असूल चीज नाल है, ये तेरा चीज जो अंदर सूक्ष्म चीज निकलेगा वो पैदा होगा, क्योंकि वो पैदा होगा तूने स्वयं जितनी भी ये की है जो कुछ भी की है सब ना बिलोंगा की सारी घर मर जाना हूँ जिन तेरे भी दे रहे हैं तो मेरे भी दे रहे हैं सारा टाइम तो निकल रहा पर ये तेरा मुंह घेरे ना रहा विरोध ना रहा या हो गल ना लिया तू इस जेले जेले तू जेले करो तेरी मुक्ति नहीं होनी। मैं लग गया तेरे सामने तेरा डेरा हूँ डेरा तेरा मैं तू कभी मंदिर सुखने नहीं आया कभी नहीं आया ना बिल्कुल ना कभी माँ से मुँह लाया ना कभी चुनी आई और कितना जा रहे तू नहीं तो मैं रोटियाँ तू कभी सुखने नहीं आया मैंने मगर मेरी रन जो मेरा माँ या तार या इंजन जरूर आगे मैं अपना पता नहीं कि मेरा तार बन गया इंजन से कोई सुप्रेस मैं आ गया मैं इंजन में वो देख डालिया कि मेरे तो ऊपर ऊपर जा सकता है ये तार मुझे देख रहा सुखने च मरण लगे हाँ तार आ गई सामने जब चंगन आ गया जब जैसे मासी आ गई तो मैं जा सके ना बस वहाँ मैं लग ब्याज जी के लग गुरु बन के रंग देख जी के है लग तंग बता देती है मत देनी होर चीज है आप अमर करना है होर चीज है मत हर एक आदमी कोई भी वहां चले जाओ हर एक आदमी कोई ना कोई दुआ दस देगा हर एक आदमी हर एक आदमी किसी को कोई बीमार आए उन्हें कोई ना कोई दुआ दसेगा भामा उठा के है भावा नहीं है दुआ दूर दसेगा एक स्वभाव है सत्संग चाहे आदर मता कर सत्संग कराना चाहना मोहन लाल कराना चाहना तो जो तुम बात है बुढ़े बुढ़े जैसे आदमी किसी मेरे गोटी तो उनमें कहीं जाना तो ये अंतर द्वारा पहले मंदिर मानो मंदिर ना आ गया क्योंकि यू आओगे तुम के क्योंकि असूल सीधा तुम्हारे अंदर क्या है ना तुम्हारे सूक्ष्म चीज में पारा करेगा सूक्ष्म चीज पारा है वो निकलेगा जमीन ही कैसे सकती और यही गल बाबा साहब ने संतान दिया मैं उन्होंने जरा खोल दिता उन्होंने पहले तो कह गया जिन्हें हरिद्वार ना फिर मैं हरिद्वार की मच्छियां बन गई बाबा साहब ने ये अगर कहना हूँ मैं पूछना जिन्हें ब्याह ना प्रेम हो ब्याह की मच्छियां ही बन गए जिन्होंने हुशियारपुर ना प्रेम है हुशियारपुर नहीं तो बन गए जिन्होंने किसी ना प्रेम है तो समझ लो किसी वो है जरा जो भी जमा थी वो गो जाएंगे मंगे जाएंगे सामने झूठ नहीं आ गया था मैं पूरा कह तो मंगे थे किसी पुत्र ने याद कर दिया याद कर दिया मरोगे उन्हें दिखाई जमोगे थे किसी प्राप्त बनोगे किसी खुद बनोगे किसी द्वाई बनोगे किसी खुद बनोगे एक लॉ है
कानून है आचार्य शास्त्र। कदे मैं कहना ना देखा मैंने तो भी जब मैं मरा तो मेरा ये जानवर से बाहर निकल के मैं दस कब मेरे लगी भी थी That's a good idea. I am not going to be able to do this. आप तो धन में जो आते हैं क्यों आते हैं? तुम्हारे के लिए यह आदत के बाद सत्संग में वर्ग के साथ जाना चाहिए, किसी मतलब के लिए जाना चाहिए, तब फायदा होता है। तो जो आदत के बाद आप जहाँ जो रहते हैं तो सभी लोग जहाँ जो काम करते हैं आज बाजार में उनको मेरे सत्संग से कोई फायदा नहीं। अगर ध्यान दे के सुने लिखा फायदा है, ये तो अपने पेट के राज के लिए यहाँ आए हुए हैं, कमाते हैं, इनके लिए तो रोटी और कपड़ा और पैसा चाहिए। ये सत्संग के लिए तो आते हैं, इसी वास्ते देरों में मंदिरों में मस्जिदों में जो आदमी होते हैं उनमें हरा हरा बुराइयाँ होती हैं और होनी चाहिए, क्योंकि तो वो तो अपने पेट के लिए वहाँ जाते हैं, सत्संग के लिए तो जाते हैं, रस के लिए जाते हैं, मतलब के ही जाते हैं, सत्संग के लिए नहीं जाते। और उस कहीं को हद में सुख दे, हद में सुख है अनहद पद निर्वाणा, हद दे हद अनहद जब लांगे दुख बेहदी सुख है निर्वाण है, मगर अनहद तो पहले जुड़े चले जाओगे सात बारह बजने आदमी मन के अंदर रहते हुए जब तक तुम हो मन के हैरान को महसूस करते हो तो आपको क्या होगा? दुख भी आएगा, दुख भी आएगा। जब मन के रूप को तुम समझ गए, इसमें न फंसे, ऊपर चले गए, तो तुमको सुख है, क्योंकि मन के रूप को तुम समझ गए, मन दुख का कारण नहीं बनेगा। अच्छा, अगर चौथ में चले गए तो तुमको निर्वाण मिलेगा। निर्वाण किए कहते पता नहीं संतान ने निर्वाण किया, मैं नहीं पता, मैं जो अपने निर्वाण समझ रहा वो दूसरा निर्वाण संस्कृत हो जाए फूंक मारना, फूंक मार के उड़ा देना। जरा आदमी सब भी ढूंढा है अपने अंदर विचार पैदा होंगे पूजा नहीं हो जाएंगे। तो जब वहां जाओगे अनहद छूट जाएगा, मुझसे नहीं छूटता। कभी दो महीने तीन महीने के बाद कभी समाधि लगती है तो कभी जाता हूँ मैं वहाँ अनंत को छोड़ता हूँ, पर अनंत अभी तक मुझे छूटता नहीं। शायद उम्र बढ़ना छूटी है, मैंने पता नहीं मिला कुछ नहीं।
लेकिन हो सके सब क्या फिर बोलो कभी को हद दे हद अन हद जब लांघे नीचे आना जाने गुरु की दया साध की संगत ओ संगत मत पावे ये गुरु की दया और साध की संगत गुरु की दया ये हुई गुरु ने प्रेम किया गुरु ने काम किया गुरु आई उनको मिलती है जो अधूरे होते हैं जो पूरा हो गया वो गुरुवाई नहीं करेगा वो तो गुरुवाई को मुसीबत समझता है जिसमें कमी होती है वो का गुरु लोग जिनको काम देते हैं उनमें कमी होती है क्योंकि उन्होंने प्रेम किया हुआ होता है पिछले जमाने में साथ देने का दस्तूर नहीं थे जैसा मैं करता हूँ ना वो इशारा करते थे जो समझ गया जितना समझा ना समझा और जिसको समझा दिया वो कह दिया था हम साथ तो इलाज दवाई चार फेज नहीं बाहर जाए मैंने उस पर जो भागा क्यों बताया ये पता है मेरे कर दादा ने कहा था थोड़ा थोड़ा पहले टाइम को बदल जाना पता नहीं मैंने ठीक किया पता नहीं मैंने ये मुझे पता नहीं मैंने जो कुछ समझा अपने कर्म को बस क्या कर गुरु की संगत से क्या हुआ गुरु के संभाल में गए गुरु ने सेवा कराने के लिए तुम लोगों को संगत में छोड़ी धन तुमको अपना धर्म बनाना चाहिए बुरा मान या अच्छा मान ये इज्जत या मान गुरुवाई धन या दौलत ये पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से मिलती है पिछले कर्म तुमने अच्छे किए हुए हैं इसलिए तुमको ये मान मिला तेरा मान है तेरा नाम है सब कुछ है ये तुम्हारे पिछले कर्म मुझे जो कुछ मिल रहा है ये मेरे पिछले कर्मों का फल इस जन्म के कर्मों का फल नहीं मैं अपनी अपनी कमजोरी को जानता हूँ आई सी माय ओन वीकनेस आगे गुरु की दया साध की संगत उत्तम गति मत पावे पाले उत्तम गति मरी गुरु की दया हो गई उसी साधु का हो साधु वो है जरा मन दे सब कुछ अंदर रूप प्रकट होता है गला करता है तेरा माता करता है कोई बात समझ आ गई कह देता है पूरी हो जाती है ऐसे आदमी को साधु कहते हैं आपने मुझे आप साधु थे आप लोगों ने मुझे बताया हाँ बाबा अभी बीमार होने हैं तेन बुलाने हैं तू आ जा तेन दुआ दे देना दुआ दस देना अभी बुलाओ ले आने खा लेने अभी राजी हो जाने और मैं बीमार हूँ ना क्योंकि मैं हिलकी हिलकी कर रात दूँ मैं कुछ नहीं कर सकता दवाई खाऊंगा और लोग कहें बाबा अभी तो दवाई नहीं खाएंगे अरे तेरे को पूछे हैं वो साधु हुए कि ना हुए तो कहने गुरु की दया साधुओं की संगत नाल करो क्या शब्द है गुरु की दया साधे की संगत उत्तम गति मत पावे राधा स्वामी चरण शरण बलहारे भरम भव जाल नावे अब ये तालीम जो है याद हो गई है ये आप लोगों के लिए नहीं है ये तो खास खास आदमी जन के लिए है आप लोगों को नहीं तालीम दिखा दू आप लोग दुनिया में दुखों से बचना नहीं चाहते आप तो दुनिया में चाहते हैं सुख चाहते हैं हमें सुख मिल जाए कहा मर जाओ हम आगे नरक जाओ
स्वामी वाली कोई परवाह नहीं। इस वाले संतों का मार्ग जो है ये आम दुनिया के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी को नाम नहीं देता, दुनियादारों के लिए है। अच्छा ख्याल रखो, फिर संकल्प मत करो, अपनी ड्यूटी करो, परोपकार करो, माफिया की सेवा करो, दुखिया की मदद करो, अपने फर्ज में पूरा करो, किसी ना हेरा फेरी ना करो, 420 ना करो, चौका ना करो, फिर करो, किधर की मदद करो, ताकि अगले जन ताली मदद। आम दुनियादार वास्ते ये तालीम है, जो कि मैंने पहले कहा है, ये है संतों की तालीम। उनके लिए जिनको ये यकीन हो गया कि ये दुनिया दुख की खान है और वो बचना चाहते हैं हमेशा के लिए कि हम दुनिया से ना बचें। दुनिया क्या कर दिया राज में, जब देखते हैं कि कांग्रेस ने हमको बहुत तंग किया तो कहते चलो कांग्रेस। तो ऐसे ही संत लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि दुनिया में दुख है, कोई सुखी नहीं है। उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि भाई इस चीज से हम मुर्गे इस दुनिया में नहीं आएंगे। आया वो आएंगे या नहीं आएंगे इसका सबूत मेरे पास कोई नहीं। अगर मान दिया कि अगर इस चीज से बताया जाए तो शायद हम ना वापस आएंगे। अगर मान दिया सबूत हमारे पास कोई नहीं। कल एक आदमी की चिट्ठी मुझे आई, उसने कहा कि मैं पैदा होने से पहले मेरी माँ को गुरुनानक साहब आए थे, उन्होंने कहा था तुमको बच्चा पैदा होगा, लड़का होगा तुम्हारे। फिर मैंने पुराने आदमी से नाम लिया था तो सारा साहब कमरे में, मगर मैं ये समझता था कि ये साइंस है, मैंने कोई परवाह नहीं की। कुछ दिन हुए तो मैं एक जगह जा रहा था, एक आदमी आपके भजन गा रहा था तो मैं उसके पास बैठ गया जाके, आपकी फोटो पड़ी थी वहाँ, वो उनके सामने गा रहा था। घर में आया आप मेरे अंदर आ गए, आप मेरे अंदर प्रकट हो गए, मुझे वहाँ ले गए। एक जगह आगे गए, अनंत से आगे ले गए, वहाँ था बादल से आया, उसमें से काला बदल निकलिया, उसमें से चार उस बाबा नानक गए मरीज थी, बाकी गुरु गोविंद सिंह आ गए, उन्होंने मैंने गला समझाया। उन्होंने क्या इससे में परमेश्वर न समझ रही, परमेश्वर अगे है वो मधु सब किताब भेजा, मैं उधर उन्होंने मजबा भेजा। हूँ तू ही सोचो कितने मन ने बाबा नानक गाया। अगर हम मान रहे सचमुच के बाबा सावन सिंह हमारे अंदर आता है, लाता जाल आते हैं, हमारे गुरु आते हैं, इसका मतलब ये है कि वो मुक्त नहीं हुए। ना बाबा सावन सिंह मुक्त हुआ, ना दाता जाल मुक्त हुए जिनके अंदर ये आता है, ना कोई मुक्त हुआ, ना कोई मुक्त हुआ। वो तो भूत बन के फिर रहे हैं, तुम्हारे अंदर आते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे अंदर आज राम प्रकट हुआ, कृष्ण प्रकट हुआ, बाबा गुरु गोविंद सिंह साहब देखा, सुधीर चंद देखा, ये सब उनके अपने मन का खेल है। अगर सचमुच भाई आते हैं, मैं अपनी बात में जानता हूँ, अगर सचमुच कोई आता है तो इसका मतलब यह है कि वो मर के सतलोक नहीं गया, वो मर के यही भूत बैठा है, भूत बना हुआ है और लोगों के अंदर फिरता है। जैसे बाबा से हिंदू लोगों के अंदर फिरता है, इसलिए गुरु नानक भी या राम भी या कृष्ण भी या दाता जाल भी या बाबा सावन सिंह मरे वगैरह वो तो आगे अंदर फिरते हैं। दुनिया भूली हुई है, भटकी हुई है, दुनिया को सच्चाई का कोई पता नहीं है। इस वास्ते कुदरत ने मेरे दिमाग को हिलाया,
कुदरत ने मेरे दिमाग को हिलाया है कि सच्ची बात बता जाऊँ तुम लोगों को, तुम लोगों को हम गुरुओं ने बुरी तरह से लूटा है, हमारी जायदादें ली हैं, अपने डेरे बनाए हैं, अपनी जमीनें खरीदी हैं, आपको अंधेरे में रखते, आपको सच्ची बात न बताकर। पैसे की मुझे भी जरूरत है, मैं मुकरता नहीं मंदिर के लिए, मुझे भी पैसे की जरूरत है। अब मेरी बानवे साल की उम्र है और मैं 31 जनवरी को जाऊंगा बाहर, कुछ दुनिया को तारने के लिए जाऊंगा, कुछ कर्म का सिलसिला है, कुछ ये काम करूंगा, कुछ मानवता मंदिर के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए जा रहा हूँ, मगर ऐसे नहीं इकट्ठे करूँगा कि धोखे से करूँगा कि हाँ मैं तुम्हारे यहाँ, उनको सच्ची बात बताऊंगा। सच ज्ञान के प्रचार के लिए अगर कोई मेरी मदद करना चाहता है तो बड़ी खुशी से करो। आप चाहते हैं अगर आप मेरी सच्चाई, जो कुछ मैं बात कहता हूँ अगर उसमें आप सच्चाई देखते हैं और इस सच्चाई के फैलाने के लिए अगर आपकी जमीनें इजाज़त देती हैं तो माँ का मंदिर की मदद करो, मैं मदद चाहता हूँ। मगर अगर कोई इसी के लिए मदद करना चाहता है कि हाँ मेरा रूप तुम्हारे अंदर आज प्रकट हो गया, मैंने तुमको दुआई बता दी, तुम राजी हो गए, ये झूठ है बिल्कुल। रात किसी पास सिंह आया मेरे पास, किसी आदमी को ले गए, किसी पास सिंह बड़ा बड़ा पुराण मिल गए, उन्हें पास सिंह तुम जानने हैं नू, मेरे पास कुछ है तो जान जाएगा बच्चा नहीं होगा कोई। मैं क्या भाई बात ये है, अगर मैं दे मेरी अपनी लड़की 24 साल की होगी उसको मैंने कई दफा प्रसाद दिया, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ, पी लिया इसे राजी फिरती है तो मैं बच्चे देता हूँ। ये तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारे कर्म है, मुझे यश मिल रहा है। और प्रिंसिपल जो मेरे पीछे फिरता है उसकी वजह यही है ना कि अब तो ज्ञान जी किरांदा अपना कुछ रोटी भी आई थी रात काल मेरे, तो मैं उन्होंने काल चला गया कुछ वाले उसे किया लड़कियों में देखा, मैं 5 रुपये से कुड़ी जो हवाले करा भाई कुड़ी तेरी कुरमाई हुई आज लड़कियों में दे आया, अब कुड़िए तेरी आज कुरमाई हुई पिछली बात है नाश ए मंदा जी इन्हों में आख्या। मैं क्या पिछली बात है मैं तेरी बहुत कुड़ी वेख आया दे आया सगुन तू जानते तेरा काम जाए, अब इसने ब्याह के आया, अब इसके औलाद नहीं तो इनके गुआंड के गुआंड में एक और रहती थी, मुझे तो वो नहीं थी। उसने सपने में देखा कि एक बाबा आया है इनके घर में, वो इसको प्रसाद दे गया कि लड़का हो गया बात नहीं। उसे इसकी और फिर पास की होती बोझा, फिर आज सपना में देखा कि साधु आया तुम्हारे घर, वो तुम प्रसाद दे गया तेरे मुंडे जमेगा जमे। तो दूसरे दिन मैं गया थी वजी राम के घर, तो वजी राम के घरों में आ गया, इधर का ये मन पर ले आया मेरा वाकस ये आई गया, ये आया थी ये आया थी रात की सुबह, मैंने प्रसाद दे दो, मैं प्रसाद देता वो तो मुंडे राम दिया विश्वास हो विश्वास कर दुनिया सच्चाई के पीछे नहीं दौड़ती है, दुनिया दौड़ती है शुभ बाजी में करामात के पीछे। तो ये हमको तो यश मिलना था पिछले जन्म का, हम तो करामात करते कुछ नहीं, रब तो भी हो जानी है। और मैं गया जो थोड़े बड़े पर्यटन में मैं पर्दा रखता ना दसता लुप के खा जाता पर्यटन और लोकन जो मैं हो जाएगा मैं छोड़े बटे। ये सब तुम्हारे मन का खेल है,
और कुछ नहीं। मैं अगर ये भी मैं टेम्पल बनाया या सारा पिटना पिटया अपनी रात वास्ते नहीं पिटया, मैनू दुख आंदा दर्द होंदा है कि असा गृहस्थियां नू इन गुरुआ ने बुरी तरह लुटिया है। असा गृहस्थियां नू इन गुरुआ ने बुरी तरह लुटिया है, सारी अखां मिट्टियां पाईयां। बस क्योंकि मेरे तो मैं बड़ा बड़ा ज्ञानी जीवन इस वास्ते मैं मत भी करना तो कहा सन देखो फिक्र ना कर सच्चाई ना गुरुआई करेगा तेरा तेरा कर्म है तेनू यश मिलना है मिलना अपनी जान नू साफ रख। चार पैसे भगवा आवे कोई दे जाए गया में तेरे आखिर में दे जाए ना दे जाए तो तू तेरी अपनी जमीन है। मैं तो आप कुत्ता बनया लोगों ने कहना टुकड़ा खाना कहना तो रब रब ने शेर बनाया है। मैं तो कुत्ता बन गया सत्संग ने कहना टुकड़ा खाना मुंडा मेरा 250 भेज दे 200 भेज दे कटनी वाले भेज दे 100 दोगा ना चंदा रुपये 20 रुपये बिगो भेज। मैं तो कुत्ता सारे कारण टुकड़ा खाना तू तो टुकड़ा नहीं तू तो खेल है तेरी अपनी जमीन है तेरे परिवार की परवाही की जगह सच्ची बार कह कर कोई आवे तेरे पास कोई आवे ना आवे ना आवे कहने में जाए। मैं देख जान बात सच्ची बात मेरी गाड़ी में करना जिन्होंने करना है करना मैं नहीं करना नहीं करना और भी कर दे अभी है जो करी नहीं और भी या कि नहीं आई है। तो मैं या तुम या जीव या जंतु जो कुछ भी है यह है क्या? वो ज्योति स्वरूप जो निरंजन है। मैंने अब हिंदी के लफ्ज इस्तेमाल किए संतों के मुताबिक अपने गीता या शास्त्रों के मुताबिक मौजूदा साइंस के मुताबिक वो जो जिससे तमाम मादा बनता है इलेक्ट्रॉन का जो भंडार है बिजली है जिसको साइंस ने मौजूदा साबित किया वहां से उसी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। हम सब उसी की मुख्तलिफ शक्लें हैं कि नहीं हैं? और तो कुछ नहीं। क्योंकि हम अपनी असलियत को जिस्मानी असलियत को और मानसिक असलियत को नहीं जानते अज्ञानी हैं समझ नहीं है तो हम इस अज्ञान से क्या करते हैं? हमने अपने अज्ञान से यह समझ लिया है ये मेरा बाप है ये मेरी माँ है ये मेरा फलाना 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 है। इस अज्ञान की खातिर हम जितने भी जुर्म करते हैं जहां करते हैं तो जितने हमसे अपराध होते हैं ये काम करता है। हम अब हम में है कि नहीं? हम में धीरे धीरे मैं कहता हूं मैं ब्राह्मण हूं तुम कहते हो तुम सिख हो एक कहता है मैं राजपूत हूं चौथा कहता है मैं फलाना हूं पांचवा कहता है मैं मुसलमान हूं छठवां कहता है मैं कुमार हूं ऐसे हैं कि नहीं आपस में? तो इसके बटने का कौन जिम्मेवार है?
ये अपराध है। अपराध जानते ना, हमने अपराध किया। पार्टीशन में हमने क्या किया? अपराध ही तो किया। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने सिखों को मारा। अब हमारे में द्वेष है, क्यों है? क्योंकि हम अपराधी। अपराधी के मैंने मैंने आपको बता दिए कि हम अज्ञानी हैं, हमको समझ नहीं है। इस वास्ते वो जो तुलसीदास की पहली कड़ी है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कठे कोट अपराध। अगर इंसान के दिल में ये समझ आ जाए, आत्मक ऊंची बात को छोड़ो, मैं तो निचली बात कह रहा हूं, इस जिस्मानी नुकता नगा से, अपने शारीरिक नुकता नगा से, हमारा जो शरीर है, अब तुम देखो कि हम क्या क्या बने हुए हैं। बने हुए हैं कि नहीं बने हुए? मुल्क में क्या हो रहा है, मजहबों में क्या हो रहा है, पंथों में क्या हो रहा है। एक राधा स्वामी मत या संत मत प्रकट हुआ था, या ऋषि मत प्रकट हुआ था, इस ज्ञान को देने के लिए हम उनके पैरोकार होते हुए आपस में बटे हुए। हिंदू सिख बट गए और बात है, मुसलमान हिंदू बट गए और है। वो फिरका जो इस अज्ञान को दूर करे, वो साधुओं का फिरका। कौन साधुओं का फिरका? जिसकी तारीफ तुलसीदास ने कही है, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की कटे को अपराध। अब जो मौजूदा सत्संगी हैं, संत मत के लेवा है, चाहे वो राधा स्वामी मत के हैं, या ऋषि मत के हैं, या सनातन मत के हैं, साधु हैं, उनकी तालीम के जेर असर आए हुए आदमी, क्या उनका आपस में द्रोह नहीं है? क्या उनका आपस में द्वेष नहीं है? कहो मेरी बात को, देखो एक राधा स्वामी मत पैदा हुआ था, अब कितनी ब्रांच, एक गद्दी दूसरी गद्दी से मिलना नहीं चाहती, एक ब्रांच के सत्संगी दूसरे सत्संगियों से मिलना नहीं चाहते। मैं आपको क्या कहूं, दर्द दिल से कह रहा हूं। एक आदमी होशियारपुर में मेरे पास आया, उसने अपनी लड़की किसी राधा स्वामी मत के सत्संगियों को दी। उसकी जो औरत लड़की के जो साथ है, वो कट्टर राधा स्वामी है। अब वो इस ख्याल से कि ये जो लड़की आई है, ये मेरे गुरु की चेली नहीं है, वो उसके हाथ का खाना पका हुआ नहीं खाती। नहीं समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? वो उसके हाथ का खाना पका हुआ नहीं खाती। क्या संत मत की तालीम थी, और वो कहां जा रही है? इस ख्याल को देखकर मेरे दिमाग के अंदर उस मौज ने, हजूर सांगले शाह की जात पाक ने, दाता दयाल की जात पाक ने, या संतों की दया ने मेरी बुद्धि को, मेरे दिमाग को टुकराया, और मैंने संत मत की असलियत को वाजा कर दिया। नहीं समझ में आई बात? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? सोचो, बात क्या? बात तो ये थी, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। अब अपराध क्या है? हमारी गलतियां, हम अपनी गलतियों से ही तो दूसरों का नुकसान करते हैं। अब वो माई जो अपनी है, तो बड़ी भारी परमार्थन कहलाती है भी वो अमृतसर की रहने वाली थी, चराती तो है वो, मैं बड़ी परमार्थन हूं, गुरु की बड़ी सेवका हूं, मगर उसका कर्तव्य क्या है कि वो लू के हाथ की चीज नहीं खाती, क्योंकि ये गैर सत्संग, हालांकि वो भी सत्संगी है, मेरे शिष्य नहीं। तुम कहो कि मैं अपना पाठ करता हूं,
मैं तो किसी को चेला नहीं बनाया। अब समझो मैं मेरा मैं गुरु नहीं ना मैंने चेले बनाए, मगर मैं दर्द दिल रखकर ये भाषण दिया जा रहा हूं ताकि जो भी समझदार आदमी मेरे भाषण को सुने और मौजूदा महात्मा लोग इन भाषणों को सुने उनको सच्ची समझ आए कि हकीकत क्या है। नहीं समझ में आ रही है फिर पढ़ो इस कड़ी को। अब देखो कौन आया गर्भ में, मैं पूछता हूं, मैं मौजूदा साइंटिफिक ब्रेन वालों से बात कहता हूं, जो संत मत को या हम संत मत वालों को जो ये मजाक करते हैं कि ये थूक खाने वालों का मजहब है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि संत मत क्या बताता है, आपको आप पहचानो कहा और का नेक नमन, तुम कौन हो, तो तुम्हारा शरीर मन क्या है, सोचो मेरी बात। हम उस ज्योति स्वरूप से आए हैं, अब हमारा जिस्म किस चीज का बना हुआ है, फकीर चंद कोई अलग हस्ती नहीं है, ये हमने अपनी अकल से वंडियां डालने के लिए नाम रखे हुए हैं। असली चीज क्या है, वो ज्योति स्वरूप, वो ब्रह्म, वो काल, वो ताकत खुद ही मुख्तलिफ रूपों में जहां विराजमान है या कि नहीं,